पिताश्री, हमारे अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी असुर धूम्राक्ष का उस वनवासी राम ने रणभूमि में वध कर दिया। युद्ध भूमि में योद्धा या तो मारता है या मरता है। इसमें दुख, चिंता या अपमान जैसी क्या बात है? पिताश्री, इस विजय के उपरांत उन वनवासी और उनकी समस्त वानर सेना का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ गया होगा। और मेघनाथ के प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। उन वनवासी और उनकी समस्त वानर सेना का अंत करने की आप आज्ञा दीजिए पिताश्री। नहीं मेघनाथ, अभी नहीं। युद्ध सदैव अपने योद्धाओं का पराक्रम, बल और शक्ति की परीक्षा का सबसे उचित साधन होता है। ये लंका पर योद्धाओं की शक्ति की परीक्षा का समय है। तो पिताश्री ये युद्ध मेघनाथ, तुम इस युद्ध की चिंता छोड़ दो। देवी महारात्रि की कठिन आराधना कर उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त करो। जो आगे बताओ। मुझे भली भांति ज्ञात हो गया कि उन सन्यासियों से ये युद्ध किस प्रकार जीता जा सकता है। लंकेश, आप यहाँ हमारे काल भैरव की पूजा में? हाँ कंपना, लंकेश तुम्हें निमंत्रित करने आया है। आज्ञा दीजिए लंकेश। तुम और तुम्हारे समुदाय के लोग इस संसार में सदैव उपेक्षित रहे हैं, किंतु अब तुम सब उपेक्षित नहीं हो। आज से तुम सब असुर साम्राज्य के अंग कहलाओगे। अब समय आ गया है जब तुम सबको लंका के लिए अपना बल, शक्ति और पराक्रम सिद्ध कराना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कल युद्ध की ध्वजा तुम्हारे हाथों में हो। लंकापति असुर शिरोमणि दश कंधर महाराज रावण की जय। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज के युद्ध में लंकेश ने मेघनाद को क्यों नहीं भेजा। यदि आज वो वहां पर आया होता तो मेरे हाथों उसकी मृत्यु निश्चित थी। लक्ष्मण, मेघनाद को युद्ध में ना भेजना रावण की रणनीति है। वो पहले अपने योद्धाओं के बल और पराक्रम से हमारे योद्धाओं को समाप्त करेगा। उसके पश्चात जब हमारी शक्ति क्षीण हो जाए, वो अपनी पूरी क्षमता और शक्ति के साथ हम पर आक्रमण कर हमें परास्त करेगा। आशी, अब सत्य क्या है? देवराज इंद्र के साथ हुए युद्ध में भी लंकेश ने ऐसी नीति का प्रयोग किया था। इसका तात्पर्य है कि हमारी वानर सेना को सदैव अपनी शक्ति, सामर्थ्य और मनोबल बनाए रखना है और असुरों के सामने कभी भी दुर्बल नहीं होना है। हाँ अंगद, अब हमें ना केवल रावण की रणनीति से हमारे योद्धाओं की रक्षा करनी है, अपितु एक एक का उसके सभी योद्धाओं को समाप्त भी करना है। इस नीति से हम दिन प्रतिदिन रावण की शक्ति को क्षीण करते जाएंगे और अंततः हमें विजय प्राप्त होगी। कुमारंगद, कल युद्ध में सेना का नेतृत्व आप करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। पुत्री, तुमने ये दिया प्रभु श्री राम की विजय के लिए जलाया है ना? ये अखंड ज्योति रघुनंदन की विजय का प्रतीक है। वर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ये प्रहस लंकेश का सेनापति है। पराक्रम और बलशाली प्रतीत होता है कि लंकेश ने आज इसे ही युद्ध का नेतृत्व सौंपा है। ये तुर्मुख है, लंकेश का एक और बलशाली योद्धा। जय श्री राम! आक्रमण!